हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एगलेस मैंगो केक। आम तो सभी को पसंद आते हैं और मैंगो केक टेस्ट करना तो बनता ही है, इसीलिए आज हम बनाएंगे एक बढ़िया सा मैंगो केक। मैं हूँ मयूरा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मयूराज फूडी रसोई में। और आज हम बनाएंगे आम से बनने वाला सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, एकदम डिलीशियस और मॉइस्ट मैंगो केक, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स, तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे। चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। केक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम मैंगो ग्लेज़ बनाएंगे। तो मैंगो ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा सा आम लिया है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे मैं हाफ कप चीनी के साथ में ग्राइंड कर लूँगी और हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक पैन में और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट और जेली जैसा उसका टेक्सचर ना हो जाए। मीडियम लो हीट पे हम इसे चलाएंगे। मैं इसमें हाफ टीस्पून नमक डाल रही हूँ बढ़िया टेस्ट के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बस हमें कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है। ये देखिए, हमारा ग्लेस 5 मिनट बाद रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, स्पैटुला पे ये ऐसे दिखना चाहिए, एकदम शाइनी लग रहा है। ये देखिए, इसे ठंडा करने के लिए अब हम रख देते हैं, ये रेडी है। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, जिसे मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। आप बटर भी ले सकते हैं। इसे ग्रीस कर लेते हैं। आज मैंने यहाँ पे बटर पेपर यूज़ नहीं किया है, मैं बस इसे मैदे से डस्ट कर रही हूँ। देखिए, इसे मैदे से मैं इसे डस्ट कर लेती हूँ। इसे सारे साइड से गोल गोल घुमा लेते हैं। ये रेडी है, देखिए एक्स्ट्रा फ्लोर मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे एक पैन गरम करने के लिए रख लेते हैं। एक स्टैंड भी मैंने उसमें डाल दिया है, इसे हम झाँक के प्री हीट कर लेते हैं। चलिए अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप पाउडर शुगर लिया है, इसे मैंने घर पे ही अपनी चीनी को पीस के रेडी किया है। 1/4 कप ऑयल, आप यहाँ पे मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। 1 कप दूध, दूध गरम करके मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे ठंडा कर लिया है। मैंने 1 कप दूध इसमें ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में हम लोग मिक्स करते जाएंगे। देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब इस पे मैं छलनी रख लेती हूँ। अब इसमें हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप, 1.5 कप मैदा लिया है। 1 कप एंड हाफ कप मैदा इसमें मैं डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। आप यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे छान लिया है। अब हम एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट और स्मूथ पेस्ट बैटर ना बन जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची। अगर आप इलायची ना डालना चाहें तो आप 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी बैटर कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई अभी। अब इसमें मैंने ठंडा किया हुआ हमारा मैंगो ग्लेज डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून मैंगो ग्लेज, जो कि ठंडा हो चुका है। इसे अब हम अच्छे से
मिक्स कर लेते हैं, पर हम इसे अभी ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि बेकिंग पाउडर डालने के बाद अगर हम ज़्यादा इसे मिक्स करें तो हमारा केक ज़्यादा फूलेगा नहीं। देखिए हमारा बैटर रेडी है, अभी मैं इसे हमारे ग्रीस्ड केक टिन में पोर कर देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम फ्लोई है। इसे हम टैप कर लेते हैं 2-3 बार और इसे मैंने प्री हीटेड पैन में रख दिया है और इसे हम टाइटली कवर कर लेंगे ताकि हीट इसे कहीं से भी पास ना हो। इसे हम लो फ्लेम पे करीब 30 to 35 मिनट्स बेक करेंगे। 35 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम हमारा केक खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए वाव, हमारा केक कितने अच्छे से फूल गया है, एकदम फ्लफी हो गया है। इसे अब हम चेक करके देखते हैं कि अंदर तक बना है कि नहीं। ये मैंने नाइफ डाली, नाइफ एकदम क्लीन आई है, मतलब हमारा केक अच्छे से बन चुका है। इसे दूसरे साइड से भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि इवनली बेक हुआ है कि नहीं। नाइफ एकदम क्लियर है, हमारा केक बेक हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ मेरे केक को बेक होने के लिए 35 मिनट्स लगे हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो फ्लेम पे डिपेंड होता है। तो आप 30 मिनट्स के बाद में ये केक कैसे बन रहा है ये देखने के लिए ज़रूर चेक कर लें। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरह से। देखिए हमारे केक में कितनी अच्छी जाली आई है। केक ठंडा हो गया है पूरी तरह से, देखिए वो अपने साइड्स पे पूरे छोड़ चुका है, ये देखिए। अब इसे हम प्लेट पे रख के इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। हमने यहाँ बटर पेपर यूज़ नहीं किया था लेकिन फिर भी ये केक कितनी आसानी से बाहर निकल आया है। देखिए हमारा केक कितना स्पॉन्जी, कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और घर में रखे कुछ इंग्रेडिएंट्स से अब इसे हमें ग्लेस से डेकोरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ऊपर की जो परत है इसे निकाल के हम इसे इवन कर देते हैं। मैं इसे निकाल रही हूँ, ये देखिए, और बाकी के भी साइड्स निकाल के इसे पूरा इवन कर देते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए हमारा पूरा केक कितने अच्छे तरह से बेक हुआ है और कितना जालीदार बना है, एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब हम इसे ग्लेस से कवर कर लेते हैं। ग्लेस बिल्कुल टेम्परेचर में नॉर्मल हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा है, इसे हम फैला लेंगे। इस केक को ज़्यादा गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गार्निश और आपका टेस्टी और डिलीशियस केक रेडी हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोन बना लिया है घर पे और इसमें मैंने मैप्रो का चॉकलेट सिरप फिल किया है। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप 10 रुपये वाला डेरी मिल्क ले सकते हैं, उसे मेल्ट करके, गर्म पानी में मेल्ट करके उसे आप कोन में फिल कर ले सकते हैं। कोन को मैंने काट लिया है और मैं इस तरह से इस पे लाइंस बनाऊंगी। बिल्कुल आसान सा पैटर्न है ये, बिल्कुल ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हमें पूरा केक कवर कर लेना है। ये देखिए हमने सारे लाइंस बना ली। अब मैं टूथपिक से इस पे हल्की सी डिज़ाइन बनाऊंगी। ये हमने सीधा टूथपिक चला लिया है और इसका उल्टी लाइन हम खींचेंगे, एक सीधी लाइन और दूसरी लाइन उल्टी तरफ से हम लोग इसे बना देंगे। हाथ बिल्कुल हल्के से चलाने हैं इस पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इसे बनाएं। इससे क्या होगा, एक सुंदर सा डिज़ाइन पैटर्न तैयार हो जाएगा जो कि दिखने में तो बहुत सुंदर है और बहुत ही आसानी से बन गया, ये देखिए। और मैं यहाँ पे सिल्वर कलर के बॉल्स मेरे पास थे तो मैं उसे यहाँ पे
डाल रही हूँ। आप कोई भी कलर्ड बॉल्स डाल सकते हैं या तो फिर ये केक ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए पूरा केक कवर हो गया सिल्वर बॉल से और हमारा मैंगो ग्लेज्ड केक एकदम रेडी है। लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल, इसे हमने घर पे बनाया है बिल्कुल आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम समय में आम के साथ ये केक रेडी हो गया। ऑसम, अब इसे हम काट लेते हैं। देखिए कितने आसानी से कट गया। इसी से पता चल रहा है कि हमारा केक बहुत सॉफ्ट बना है। इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। वाओ, देखिए फ्रेंड्स हमारा केक कितना जालीदार बना है अंदर से भी। मैंगो केक सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में ये मैंगो केक ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी। रेसिपी भी बिल्कुल इजी और सिंपल सी है। अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स द्वारा अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर भेजें। तब तक स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें और मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।